क्रीड़ा से जुड़े आप सभी नौजवान साथियों और वरिष्ठ महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन। ये यूथ कौन एक ऐसे अवसर पर हो रहा है जब न्यू इंडिया की तरफ बढ़ते हमारे कदम नए पड़ाव की तरफ निकल पड़े हैं। अभी अभी पार्लियामेंट का सत्र समाप्त हुआ है, मैं आपके बीच आया हूं। आप सभी साथी नए भारत के नए और बुलंद सपनों की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। आप सामान्य मानवी के अपने घर के सपने को पूरा करने में जुटे हैं। साथियों, क्रीड़ाएं बीते दो दशकों से हर देशवासी के अपने घर के जो सपने हैं उसको पूरा करने में जुटा है। और मुझे बताया गया है कि 23 राज्यों के 205 शहरों में आपके संगठन का विस्तार हुआ है। देश भर में आपके 12,000 से अधिक मेंबर हैं। जिस रफ्तार से देश में रियल एस्टेट सेक्टर का विस्तार हुआ है उसी प्रकार आपका संगठन भी बढ़ा है। मुझे खुशी है कि आपने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से अपनी यात्रा शुरू की थी और उनके शुभ आशीष से आज आप इस स्थिति में पहुंचे हैं। साथियों, श्रद्धेय अटल जी ने ही सबसे पहले शहरों में गरीबों और मध्यम वर्गों के परिवारों को घरों के सपनों को पूरा करने का एक बीड़ा उठाया था। अटल जी ने शहरों में झुग्गियों में रहने वालों को घर देने के लिए 2001 में लखनऊ में वाल्मीकि आंबेडकर आवास योजना शुरू की थी। इतना ही नहीं, ये अटल जी की ही सरकार थी जिसने देश में घरों की आवश्यकता को देखते हुए हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला था। अब आप लोगों को ये याद होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। साथियों, केंद्र की वर्तमान एनडीए सरकार अटल जी के प्रयासों को विस्तार देने में जुटी है। देश का गरीब हो, देश का मध्यम वर्ग हो, उसके घर का सपना पूरा हो, 2022 तक जब आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज देश के गांव और शहरों में लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के लिए बनाए जा चुके हैं। साथियों, जब भी मैं घर बनाने का यह आंकड़ा देता हूं तो हमारे राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं और मीडिया में मेरे को ज्यादा ही चाहने वाले लोग भी हैं, उनका जरा प्यार की वर्षा बहुत रहती है मुझ पर, वो पूछते हैं कि इसमें नया क्या किया है, इस तरह की योजना तो पहले भी चलती थी। ये बात सही है, ये योजनाएं पहले भी चलती थी, जरूर चलती थी, लेकिन सच्चाई है कि ये भी सबके सामने सच्चाई है
कि प्रधानमंत्री आवास योजना और पहले की आवास योजनाओं में सबसे पहला अंतर तो नियत का है। ये योजना ऐसी है जिसमें किसी के नाम को अमर करने की कोशिश नहीं है, सिक्का मारने की कोशिश नहीं है। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा चलता रहेगा। अब इसमें नियत की मुझे कहना पड़ेगा कुछ क्या? किसी नामदार की पब्लिसिटी के लिए ये योजना नहीं है। जब आप किसी योजना से नाम का या स्वार्थ का भाव निकाल देते हैं तो आपकी नीति स्पष्ट हो जाती है, और इसलिए इसमें करप्शन का, अपने पराये का, मेरा तेरा का ये सारा भाव खत्म हो जाता है। अब वैज्ञानिक तरीके से तकनीक का उपयोग कर लाभार्थियों का चयन होता है। किसी के कहने पर लिस्ट में नाम कटने या जोड़ने का काम जो होता था, उसकी एक बड़ी दुकान चलती थी, बड़े मशहूर खिलाड़ी होते थे उसके, और एक्चुअली मकान बनाने वालों से ज्यादा मकान दिलाने वाले कमाते थे। अभी दुकानें बंद हो गई, हो सकता है उसमें आपको भी कहीं कोई तकलीफ वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन अब आपने प्रधानमंत्री ऐसा बनाया है तो क्या करें। साथियों, तीसरा काम गुणवत्ता का है। पहले जो घर बनते थे उनका लक्ष्य उसमें रहने वालों की सुविधा के बजाय, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, नामदारों के प्रचार प्रसार का ही रहता था। इसलिए सिर्फ चार दीवारें खड़ी की जाती थी। हाल में मैंने एक टीवी रिपोर्ट में देख रहा था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये देखा होगा कि नहीं, यूपी में अमेठी करके एक स्थान है, जो आपको इससे इतराज है क्या? मुझे लगता है आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। देश के नामदार परिवार के किसी न किसी सदस्य को वहां के लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, आंखें बंद करके प्यार दिया है, कभी कोई सवाल नहीं पूछा है। उस अमेठी के रिपोर्ट में एक दलित बस्ती के बारे में बताया गया है। वहां के लोगों को 10 वर्ष पहले सांसद आवास दिलवाए और अपना नाम भी हर जगह पे चिपका दिया। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जिस दीवारों पर नाम लटकाए गए थे 10 साल के भीतर वो दीवार ही नहीं बची। साथियों, अब उन्हीं बस्तियों में प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बन रहे हैं। ये घर पहले से भी बड़े हैं, इनमें टॉयलेट भी हैं, किचन में एलपीजी गैस कनेक्शन भी है, बिजली का कनेक्शन है, यानी सरकार की अनेक योजनाओं का समावेश इस घर में अपने आप ही उस व्यवस्था के तहत हो रहा है।
गरीब को वहां कहां भागने की जरूरत नहीं है। साथियों, चौथा परिवर्तन जो पहले की तुलना में किया गया है वो स्पीड का है, स्केल का है। पिछली सरकार के 10 वर्षों में शहरी गरीबों के लिए 13 लाख घर स्वीकृत हुए। बीते 4.5 वर्षों में 73 लाख यानी लगभग 6 गुना पिछली सरकार के 10 वर्षों में शहरी गरीबों के घरों के लिए लगभग 38,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और बीते 4.5 वर्षों में लगभग 4 लाख करोड़ यानी कि 10 गुना अधिक। पिछली सरकार के 10 वर्षों में शहरों में गरीबों के लिए 8 लाख घर बनकर तैयार हुए और बीते 4.5 वर्षों में लगभग 15 लाख घर बनकर तैयार हो चुके हैं, यानी लगभग 2 गुना ज्यादा। यही गति है जिसके बल पर हम 2022 तक हर बेघर को छत देने की बात कर रहे हैं। हवा हवाई दावों वाला काम हमारा नहीं है। साथियों, गरीबों के घर के सपने को साकार कर ही हम दम लेने वाले हैं। देश के मध्यम वर्ग के घर के लिए भी किसी सरकार ने पहली बार सोचा है। हमने इसके लिए क्रेडिट लिंक स्कीम यानी CLSS को विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम वर्ग के परिवारों को जिनकी आय 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक है, होम लोन के ब्याज में छूट दी जा रही है। ये पहली बार हुआ है। इस योजना के तहत घर खरीदने वालों को 5-5.5 लाख रुपए और अभी जगह बताते थे 6-6.5 लाख रुपए तब की उसकी बचत होने वाली है। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर बने और उसके बजट में 6-6.5 लाख रुपए बच जाए, मध्यम वर्ग की जिंदगी की बहुत बड़ी ताकत होती है। पिछले वर्ष ही हमने LIG और MIG के तहत आने वाले घरों का साइज भी बढ़ा दिया है। साथियों, मध्यम वर्ग के बहन भाई विशेष तौर पर हमारे युवा साथी अपने घर के सपनों को पूरा करें, इसके लिए हाल में बजट में कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स 0 कर दिया गया है। इससे युवा साथी अपने कैरियर की शुरुआत के दौर में अपना घर खरीदने के लिए और अधिक प्रोत्साहित होंगे। टैक्स माफ होने का घाटा सरकार को हुआ लेकिन फायदा आपको हुआ है, लेकिन ताली आपकी दम वाली नहीं है। ये दम वाली क्यों नहीं थी, ये ताली दम वाली क्यों नहीं थी, उसका कारण है क्योंकि आप 5-5 लाख की रेंज के बाहर है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि 5 लाख जाने से उसका जो पैसा बचा है वो घर खरीदने में जाने वाला है, वो आपकी झोली भरने वाला है। ठीक से समझ आ गया? पक्का? मैं आपके बिजनेस में आने वाला नहीं हूं, कॉम्पिटिटर नहीं हूं, चिंता मत करो। पहले 1,80,000 तक के किराए पर
टैक्स नहीं कटता था, लेकिन अब यह बढ़ाकर 2,40,000 कर दिया गया है। फिर ताली में दम नहीं है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया, आपको किसी ने समझाया नहीं कि इस बजट ने ये हाउसिंग इंडस्ट्री वालों को कितना फायदा किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री को खुद को समझाना पड़ रहा है। अच्छा, आप समझ आया क्या? अगर उसको टैक्स फ्री किराया गिना जाएगा तो उसको नया मकान बनाना, ज्यादा मकान बनाना, किराए पर देना उसके लिए एक व्यवसाय का हिस्सा बन जाएगा। वो मकान कौन बनाएगा? वो बनाएगा क्या? वो मकान किससे खरीदेगा? मोदी से खरीदेगा क्या? अच्छा हुआ मैं आप लोगों को मिला नहीं होता, मैं तो यही मानता था कि मेरा बजट तो सबको समझ आ गया। संसद में हमें तकलीफ होती थी समझाने में, इसके अलावा जो परिवार अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए दो घर खरीदते थे, उनके अनुमानित किराए पर पहले इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब इनकम टैक्स देना नहीं होगा। इसका मतलब क्या मालूम? आपको इतना ही मालूम है जीएसटी का क्या हुआ? आपका कांटा जीएसटी में ही अटका हुआ है। इसी तरह जो लोग पुराने घर के बदले यानी पुराना घर बेच देते हैं, पैसे आते हैं, उनको लगता है कि अब उस जगह पे हैं तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, थोड़े दूर जाएंगे तो सस्ते में घर मिल जाएगा, और फिर सोचते हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एक घर से नहीं चलेगा तो दो चाहिए, तो एक घर ज्यादा कीमत में बेच करके बदले दो छोटे नए घर बनाते खरीदना चाहते थे। अब उनको भी टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी गई है। अब कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए लोग घर की बिक्री से मिली रकम को एक की जगह दो घरों में लगा सकते हैं। अब तक घर की बिक्री से मिली रकम को साल भर के भीतर दूसरे घर को खरीदने पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट सिर्फ एक घर पर मिलती थी, वो अब दो घरों पर मिलने वाली है। अभी आपका काम है कि जहां पर आप पुराना बंगलो लेकर के फ्लैट की स्कीम रखते हो उसको समझाओ। मुझे इस एडवाइस का कोई टैक्स नहीं लगेगा, चिंता मत कीजिए। साथियों, हर भारतीय के अपने घर के प्रति हमारे इसी आग्रह में आपसे जुड़े सेक्टर का भी उज्जवल भविष्य छुपा हुआ है। भारत में
तेजी से न्यू मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है। देशवासियों के सपने और आकांक्षाएं अभूतपूर्व ऊंचाई पर है। इन सपनों की शुरुआत अपने घर से ही होती है, जिसका जिम्मा आप सभी के पास है। सारे दुनिया के रिपोर्ट आपने पढ़े होंगे कि भारत में बहुत तेजी से लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं और जो न्यू मिडिल क्लास है उसके एस्पिरेशंस बहुत होते हैं। अब आप उसकी साइकी और परिस्थिति को समझ करके अपनी स्कीम लेकर के जाओगे। मैं आपको कहता हूं, आपको मालूम होगा निर्मा का उदाहरण, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उसने सस्ता साइकिल पर बेच करके ऐसा साबुन पाउडर बना दिया, डिटर्जेंट, उसने सारों मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का मार्केट कब्जा कर दिया, मल्टीनेशनल को चैलेंज कर दिया था। ये आपके लिए वक्त है कि अब आपकी स्कीम का टारगेट ये न्यू मिडिल क्लास होना चाहिए। और अगर मेरी बिजनेस एडवाइस गलत निकले तो मेरे बैंक खाते में जो कुछ भी है वो आपका। मुझे मालूम है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। आप उस न्यू मिडिल क्लास, उसकी एस्पिरेशंस को समझिए, अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी को, बिजनेस स्ट्रेटेजी को उससे जोड़िए। मैं विश्वास से कहता हूं कि आपकी 2 साल 5 साल पुरानी भी कंपनी क्यों ना होगी, आप 10-20 साल वालों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, आप में से बहुत लोग हैं जो डेवलपर्स की अगली पीढ़ी है, लिहाजा आप नेक्स्ट जनरेशन की जरूरतों को भी समझते हैं और नए भारत के नए संस्कारों को भी समझ सकते हैं। आप सभी के कंधे पर देश के रियल एस्टेट सेक्टर को नए भारत की आकांक्षाओं और संवेदनाओं के आधार पर बदलने की जिम्मेदारी है। साथियों, केंद्र सरकार रियल एस्टेट सेक्टर में एक सार्थक बदलाव के लिए बीते 4.5 वर्षों के निरंतर कोशिश कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के साथ साथ कुछ गलत परंपराओं को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट को बीते कुछ दशकों में सबसे अधिक समस्या भरोसे की कमी से आई। 4.5 वर्ष पहले तक स्थिति यह थी कि मध्यम वर्ग का परिवार घर पर पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचता था। हमने देखा है कि कैसे लाखों लोगों को अपने घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। खून पसीने की कमाई कुछ लोगों की बेईमानी के कारण फंस गई थी। साथियों, इसी भरोसे को फिर से लौटाने के लिए सिलसिलेवार अनेक तरीके से अनेक प्रयास किए गए हैं। नोटबंदी का जो फैसला था उसका बहुत बड़ा लाभ रियल एस्टेट को यह हुआ कि जो गलत पैसे से, भ्रष्टाचार की कमाई से यहां फलने फूलने की सोच रहे थे, उनके लिए रास्ते बंद हो गए। अब वही लोग इस सेक्टर में आगे बढ़ पाएंगे जो ईमान से को मुनाफे को ऊपर रखते हैं। और मैं मानता हूं 5 साल का आपका अनुभव है और गुजरात वालों का 13 साल का अनुभव है मेरा, मेरे काम काज का। मेरे कार्यकाल की एक विशेष रही है, मेरे हर निर्णय को प्रारंभ में बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी है, हमेशा हुआ है।
क्योंकि मैं समय से थोड़ा पहले चल पड़ता था और वहां समझ पहुंचने से पहले मुसीबत झेलता था। मैंने गुजरात में एक बार, हमारे यहां किसान बिजली मांगते थे, मैंने कहा पहले तय करो किसान को बिजली चाहिए कि पानी चाहिए। वो कह रहे थे बिजली मुफ्त दो, सब पॉलिटिकल पार्टियां दे रही हैं, वो सरकार दे। मैंने कहा वो दुनिया जो करती है करेगी, मुझे बताओ तुम्हें पानी चाहिए कि बिजली चाहिए। आज तक मैंने कहा तुमने पॉलिटिशियनों ने बिजली का तार पकड़वा कर मरवा दिया है, मैं तुम्हें पानी पहुंचा करके जिंदा रखना चाहता हूं। और आप हैरान हो जाएंगे, मेरे अपने साथी अनशन पर बैठ गए थे, मेरे अपने लोग हर गांव में पुतला जलाते थे, किसान की नाराजगी मोदी को कहां ले जाएगी, इस प्रकार की चर्चा थी। और चुनाव में मुझ पर दबाव था, अगर आप बिजली का माफ कर दीजिए। मैंने कहा मैं पानी के लिए सब कुछ करूंगा। और आपको आश्चर्य होगा, शुरू में जो लोग मेरी बात को नहीं मानते थे, जब अनुभव करने लगे, आज वो भी इसके वकील बन गए हैं। पर ड्रॉप, मार्कअप, ड्रिप इरिगेशन, पानी बचाओ, पानी पहुंचाओ, इसमें ऐसे लगे हैं कि एग्रीकल्चर ग्रोथ गुजरात में लगातार 10% रहा। जबकि गुजरात एग्रीकल्चर की दुनिया वाला गुजरात नहीं है, वो तो डेजर्ट भूमि है। समझने में देर लगती है आपको भी, अभी नहीं समझ आया होगा, अभी भी आपको लगता होगा ये मोदी कितने दिन है, अपन इकट्ठा करके रखो कभी काम आएगा। कुछ बचने वाला नहीं है दोस्तों, मैं बताता हूं। और मुझ में हिम्मत है, चुनाव सामने है, आपके घर में आकर के आपको बात बताने की ताकत के साथ कह रहा हूं दोस्तों। देश के लिए कह रहा हूं, हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी के लिए कह रहा हूं, भारत के भविष्य के लिए कह रहा हूं। और इसलिए मुझे विश्वास है, अब आप देखिए बेनामी संपत्ति, उस कानून से भी ईमानदारी की व्यवस्था को बल मिल रहा है। साथियों, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से ग्राहक और आप के बीच का भरोसा मजबूत बनाने में इस सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर आप गहराई से उस बात को देखोगे तो आप इसे महसूस कर पाओगे। और मैं चाहूंगा कि आपके यहां कभी इन सारी चीजों का वर्कशॉप हो, आपको एजुकेट किया जाए कि आखिर इन निर्णयों ने आपकी ताकत, आपकी हैसियत कितनी बढ़ा दी है। आज आप दुनिया के किसी भी देश में जाते हो, पहले भी जाते होंगे, अब तो छुट्टियां बाहर ही मनाते हो आप, थोड़ा ये व्हाइट पेपर जो है, जो टूरिज्म है उसमें आप जाते हो। पहले जो मिलता होगा आप हाथ मिलाते हो, तो आपकी बात मैं जानता हूं, आप चिंता मत कीजिए। पहले आप विदेश में कहीं जाते होंगे, किसी से हाथ मिलाते होंगे, जरा अच्छी अच्छी पर्सनालिटी होगी, बढ़िया सा जैकेट वैकेट पहना होगा, टाई वाई अच्छी होगी, वो भी पहना, और जैसे ही कहाँ से आए हो तो धीरे 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 हाथ ढीला पड़ जाता है। और आज जैसे ही कहते होंगे इंडिया, वो हाथ छोड़ता नहीं आपको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दुनिया में जहां जाते हैं आपका माथा ऊंचा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? दुनिया आपसे आंख मिला करके बात करने के लिए उत्सुक है कि नहीं है? कैसे हुआ? एक निर्णय प्रक्रिया होती है, एक कार्यशैली होती है, जिसका सीधा संबंध आपसे नहीं आता, लेकिन उसका इको इफेक्ट ऐसा होता है, हर हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ जाती है, जो आज दुनिया में देख सकते हैं। और एक ऐसा इंसान जिसको चुनाव के पहले यही सवाल पूछा जाता था, आप अगर याद शक्ति ठीक हो तो देख लीजिए 2013-14 के अखबार, टीवी डिबेट देख लीजिए, एक ही चर्चा थी, ये क्या करेगा आदमी,
हिंदुस्तान में इसको कौन जानता है, गुजरात के बाहर उसकी क्या पहचान है, और विदेश नीति में तो जीरो है, जीरो। कुछ लोग तो ऐसे कहते थे वो चम्मच कांटा कैसे पकड़ना है ये भी इसको नहीं आता है, क्या करेगा। और तब मैंने कहा था ये बात सही है कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में एक मंत्र है, जो भी करूंगा देश के लिए करूंगा। परिणाम मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, यही ताकत है। इन सारे निर्णयों से आपको भी परिणाम मिलेगा, और इसलिए मैं कहता हूं कि कभी इन निर्णयों को आपके अपने व्यवसाय के पर्सपेक्टिव में आपकी मेन टीम को एजुकेट करना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि सरकारें ऐसे ही कानून नहीं बना देती, नियम नहीं बना देती। और मैं इन सारी प्रक्रियाओं में लोगों से पूछता हूं, जुड़ता हूं, समझता हूं, और उसी का परिणाम है कि धरती पर से हम बीज बोते हैं तो हम जो चाहते हैं वो उगा करके रखते हैं। आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा वाला कानून, अभी जैसे बता रहे थे ये सब रेरा का पालन करने वाले लोग हैं। आप जगछे पर हंस रहे हैं कि मेरी बात पे हंस रहे हैं? आपकी हंसी में भी मुझे कुछ समझ आता है, लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूं कि आपके दिल में इरादा है उस दिशा में जाने का, और इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं अभी आप में से अभी भी कुछ लोगों के पैर कच्चे होंगे, हो सकता है, लेकिन अब आपका मन पक्का हुआ होगा, पक्के जमीन पर पैर रखा होगा, और मुझे उसी में विश्वास है। मैं बीते हुए कल पर गुजारा करने वाला इंसान नहीं हूं, आने वाले कल के विश्वास पर नई इमारत खड़े क्या विश्वास करने वाला इंसान। यानी रेरा 28 राज्यों में नोटिफाई किया जा चुका है, 21 राज्यों में तो ट्रिब्यूनल भी काम कर रहा है। आज देश भर में करीब 35,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और 27,000 रियल एस्टेट एजेंट्स इससे रजिस्टर हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत लाखों नए फ्लैट्स निर्माण किए जा रहे हैं। इस बात से एक बहुत बड़ा लाभ क्या होगा, मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप मुझे अपना मित्र बताते हैं, मानते हैं, तो मैं कड़वी बात बोलना चाहता हूं, बोलूं? अब प्रधानमंत्री के सामने कौन मना करेगा? देखिए, एक ऐसा फील्ड है आपका जो मनुष्य के जीवन की एक महत्वपूर्ण आकांक्षा से जुड़ा हुआ, यानी घर बनाना जीवन के अंत काल तक उसके मन में रहता है। पहले ये घर बने, फिर ये है तो अच्छा बने, फिर है ये है अच्छा तो बड़ा बने, फिर है ये तो बड़ा बने लेकिन इसके साथ, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसका कहीं अंत ही नहीं है, और उसके साथ आप जुड़े हुए हैं, ये आपको अंदाज है क्या? आप वो लोग हैं, उस क्षेत्र में हैं जो सबसे अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। और सिर्फ कोई इमारत बनाने में जो राजमिस्त्री काम करता है उससे मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप सीमेंट उपयोग करते हैं तो वहां भी रोजगार मिलता है, आप स्टील का उपयोग करते हैं तो वहां भी रोजगार मिलता है, यानी वहां अगर एक अच्छी सोसाइटी बन गई वहां कोई माली लगा देते तो उसको भी रोजगार मिलता है, वहां कोई अखबार डालने वाला आना शुरू हो जाता है तो उसको भी रोजगार मिलता है, दूध बेचने वाला, यानी आप एक रोजगार की इकोसिस्टम को आप कैटलिक एजेंट का काम करते हैं।
इतना सारा करने वाले लोगों के लिए आप मुझे बताइए, जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी है क्या? क्या चुप हो गए भाई? क्यों ऐसा हुआ? कौन जिम्मेवार? मैं आज भी मानता हूं दोस्तों, और आपकी भागीदारी ऐसे ऐसे लोगों से है कि कोई आप पर हाथ डालता नहीं है, आपको सुधरने के लिए कहता नहीं है, और इसी लोगों ने आपको बर्बाद किया है। मैं मानता हूं आपका ये जो प्रयास चल रहा है, मैं जक्षय को बचपन से जानता हूं और इसे मुझे भरोसा भी है, आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे सबसे बड़ी मेरी अपेक्षा क्या है आपसे, मैं पहले गुजरात में जो डायमंड इंडस्ट्री है उसके लोगों से बहुत बातें करता था, तब मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन मैं उनको कहता था भाई अपनी छोटी उम्र में डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए आए, आप एक्सपोर्टर बन गए, कंपनी के मालिक बन गए, 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ का आपका एक्सपोर्ट होता है, आपका बड़ा कारोबार चल रहा है, लेकिन आपकी छवि क्यों बदलती नहीं है? ये मैं उनको लगातार पूछता था, मैं आज से 20-25 साल पहले की बात करता हूँ, ये बात मैंने लगातार कहते कहते, और आप देखिए 25 साल पहले डायमंड से जुड़े लोगों की जो, यानी कोई मकान किराए पर नहीं देता था, मैं बताऊं आप मानोगे नहीं बात, 25-30 साल पहले मकान किराए पर देने से लोगों को रहता, अरे भाई पता नहीं वो, आज कोई भी फंक्शन होगा तो मंच पर जो विशेष अतिथि होंगे 3 डायमंड वाले होते हैं, इज्जत कैसे बनी? उन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक प्रयास किया, मैं भी उनके साथ जुड़ा रहा। मैं मानता हूं आपका क्षेत्र ऐसा है, आप पढ़े लिखे हो जरूरी नहीं है, आप बहुत धनवान हो जरूरी नहीं है, आप एक ऐसी युवा पीढ़ी हो, और एक मित्र के रूप में बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं कह रहा, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा। आपकी प्रतिष्ठा ये बहुत मायना रखती है दोस्तों। आप कुछ भी मकान कैसा बनाते हो सकता है आपकी एक पहचान हो जाए कि आप बहुत अच्छी स्कीम बनाई, डिजाइन बहुत अच्छी थी, मटेरियल बहुत अच्छा था, दिखता बहुत अच्छा था, ये सब अगर आपकी एक बार क्रेडिबिलिटी बन जाए ना, आप देखिए क्या आसमान आपका सामने झुकना शुरू कर देगा। इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र, उसकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकृति, कोई भी व्यक्ति जीवन में इतनी मेहनत करके बचाता है तो पहले सोचता है बच्चों को पढ़ाई, बाद में सोचता है बच्चों की शादी हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ सोचता है अपना एक घर हो जाए, यानी अपनी पूरी जिंदगी आपके चरणों में डाल देता है, और उसमें जब धोखा होता है, धोखा एक करता है, मुसीबत 100 को झेलनी पड़ती है। अगर आप इस चुनौती को समझ करके उसका रास्ता खोजोगे, आप देखिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथियों, इसी तरह कंस्ट्रक्शन परमिट सहित तमाम दूसरी परमिशन अब पहले की तुलना में तेजी से मिल रही है, जिसका परिणाम यह हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में देश ने 67th रैंक की छलांग बीते 4.5 वर्षों में लगाई है। दुनिया के लिए अचरज है, इतना बड़ा देश, डेवलपिंग कंट्री, ये इतना बड़ा जंप लगा सकता है। मुझे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने एक दिन फोन किया, अब वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट फोन करे तो हो सकता है सरकारी कोई काम होगा, उन्होंने मुझे फोन इस बात के लिए किया कि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि एक डेवलपिंग कंट्रीज और इतना विशाल देश
निर्धारित लक्ष्य पर इतना तेजी से आगे बढ़ सकता है, उनके लिए सरप्राइज था। उन्होंने टीम को यहां मुझे अभिनंदन करने के लिए भेजा था, वर्ल्ड बैंक की पूरी टीम आई थी। इन चीजों का लाभ अगर आप नहीं लेते हैं तो देश का बहुत नुकसान होगा, और इसलिए मैं चाहता हूं मौका छोड़िए मत जी। जीएसटी ने भी रियल एस्टेट के कारोबार को डेवलपर्स और ग्राहक दोनों के लिए बहुत आसान किया है। आप जानते हैं कि पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर 15 से 18% का टैक्स लगता था, ऊपर से जो सामान है जैसे पेंट, टॉयलेट होता है, सामान होता है, केबल होता है, वायर होता है, ऐसी तमाम चीजों पर 30% से ज्यादा टैक्स लगा करता था। साथियों, जीएसटी के लागू होने के बाद मध्यम वर्ग के घरों के लिए तो टैक्स 8% और दूसरे घरों के लिए 12%, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर भी टैक्स बहुत कम हुआ है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर भी जीएसटी को बहुत कम किया गया है। पेंट, वायर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग से जुड़ा सामान, सैनिटरी वेयर, प्लाईवुड, टाइल्स जैसे अनेक सामान पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% लाया गया है। वहीं ईंटों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। नहीं बजेगी ताली, मुझे मालूम है। मैं सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपको समझने आया हूं, और मुझे इतना काफी है क्या है चल रहा है। साथियों, आप सभी मध्यम वर्ग के लिए सही कीमत पर अच्छे घर बना पाए इसके लिए इनकम टैक्स में भी छूट दी गई है। साल 2016 में सेक्शन 80 IBA जोड़ा गया था, जिसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में 100% डिडक्शन का प्रावधान किया गया। अब ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय अवधि को भी 3 वर्ष से 5 वर्ष किया गया है। इसी वर्ष अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए टाइम पीरियड को 31 मार्च 2019 के बजाय 1 साल यानी आगे 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया। अनसोल्ड इन्वेंट्री की समस्या को ध्यान में रखते हुए नेशनल रेंटल इनकम पर अब 2 वर्ष तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। ऐसे अनेक प्रावधान मध्यम वर्ग के घरों को बल देने के लिए बीते 4.5 वर्ष से किए जा रहे हैं। साथियों, रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर के लिए फंड की कमी ना हो इसके लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले ही रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को डेट मार्केट से फंड जुटाने की परमिशन दी गई थी। ऐसे ट्रस्टों को 2017 से ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से छूट दे दी गई है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को विदेशों से फंड जुटाने में आसानी हो इसके लिए सेक्टोरल रिमिट को भी पिछले वर्ष हटा दिया गया है। साथियों, ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग के घरों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए तो किए ही जा रहे हैं, साथ में रोजगार निर्माण को भी इनसे बल मिला है। इस सेक्टर में करोड़ों साथी काम कर रहे हैं जो अधिकतर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हिस्सा है। घर के निर्माण में जुटे इन परिवारों के लिए सरकार एक बहुत बड़ी योजना इस बजट में लाई है। अब 15,000 रुपये महीना से कम कमाने वाले इन साथियों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये तक की पेंशन तय है। इस योजना से जुड़ने के लिए इन श्रमिक साथियों को एवरेज 100 रुपीज हर महीने जमा करने होंगे और उतने ही पैसे केंद्र सरकार उनके पेंशन खाते में जमा करेगी।
साथियों, मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप आपके बिजनेस को देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने वाले इन साथियों का भी आप अवश्य ध्यान रखें। आप इनको इस पेंशन योजना से अगर जोड़ने के लिए अपनी तरफ से भी योगदान दे, मैं समझता हूं इसी तरह आप ये भी देखेंगे कि आपके ये साथी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना के अवश्य जुड़े हैं। ये देखना चाहिए, 90 पैसों का इंश्योरेंस है जी। कभी कभी एक मित्र के साथ बात करते करते गाड़ी चालू रखते हुए तो फालतू में आप इतना पेट्रोल जला देते हो। अगर आप अपने साथियों का इतना सा कर लें, उसके जीवन में कोई संकट आएगा तो 2-2 लाख रुपए के इंश्योरेंस उसके परिवार को कितनी बड़ी ताकत दे देते जी। हजारों करोड़ रुपए ऐसे परिवार को पहुंच चुके हैं इस योजना से, करोड़ों परिवार इससे जुड़े हैं। आप देखिए कि आपके यहां वो गरीब परिवार, उसको इसका ज्ञान है क्या? आप उसको फायदा दिलवाइए, सरकार देने के लिए तैयार है। ये प्रयास सामाजिक दायित्वों को लेकर आप जो काम कर रहे हैं उनको और नया विस्तार देंगे। मुझे बताया गया है कि आप गरीब बच्चों की शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपको हृदय से बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप जैसे नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स ही न्यू इंडिया को सेव करने वाले हैं। आपके नए विचार, आपके सामर्थ्य के बल पर ही मैं बड़े और मुश्किल लक्ष्य रख पाता हूं। यह आपके मजबूती के कारण मैं कर पा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मजबूती देश को और मजबूत बनाने के लिए आगे भी काम आने वाली है। ये मेरा विश्वास है, मुझे विश्वास है कि घरों को और अफोर्डेबल कैसे बनाया जाए, इसको लेकर इस कार्यक्रम में गंभीर मंथन होगा और नए आइडिया सामने आएंगे। विशेष तौर पर हाउसिंग सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग कैसे हो, इसके बारे में चर्चा जरूरी है। ग्रीन और क्लीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर कंजर्वेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रीयूज और अपार्टमेंट्स में आधुनिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना भी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही कंस्ट्रक्शन के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रभारी और व्यापक इस्तेमाल भी जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 12 लाख घरों का निर्माण नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जा रहा है। हाउसिंग सेक्टर में इस टेक्नोलॉजी को विस्तार देने से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कम होगी ही, घरों का निर्माण भी तेजी से होगा। दुनिया की बेस्ट हाउसिंग टेक्नोलॉजी की पहचान करने के लिए ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज से जुड़ी कॉन्फ्रेंस भी अगले महीने यहां दिल्ली में आयोजित की जा रही है। आप सभी इस चैलेंज का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, आपसे देश को अपने घर का सपना संजोए हर सामान्य मानवी को बहुत आशाएं हैं। आप इन आशाओं पर खरे उतरेंगे, इसी विश्वास के साथ मैं आज आपको बहुत कुछ बताता रहता था, लेकिन मैं कुछ और बातें भी जोड़ना चाहता था। मैं अभी पूछ रहा था अध्यक्ष को कि आपके यहां इतने सारे नौजवान हैं, कोई कंपटीशन वगैरह होता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हमने सोचा नहीं है। मैं आपको एक विचार देता हूं, क्या क्रेडाई संस्था कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करे, ऐसे इनोवेशन करने वाले कोई स्टार्टअप्स हो, या आपके यहां जो काम करने वाले लोग हों उन्होंने अपने तरीके से कुछ नया किया हो, कोई क्लाइमेट के संदर्भ में अपने कंस्ट्रक्शन की दुनिया को आगे बढ़ाता हो, कि जो प्रो एनवायरनमेंट हो, आपके यहाँ ऐसे लोग हों जो वेस्ट में से बेस्ट बनाने की टेक्निक को प्रयोग करते हो और ऐसी ऐसी वेस्ट का उपयोग करके कंस्ट्रक्शन के काम में लाते हो, वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करते हो, ऐसे तरीके जो आप ही के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, इनको जोड़ने की, इनोवेशंस की, न्यू प्रैक्टिसेस की कंपटीशन करके
ऐसे जब आपके इवेंट हो उसमें एक जूरी बना करके ऐसे लोगों को प्राइज देने की कल्पना सोचनी चाहिए। दूसरा एक काम, और मैं मानता हूं शायद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके यहां भी जरूर विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो शायद एक्चुअली इस फील्ड में काम करने वाले विमेन है उनका ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी पत्नियां या परिवार के लोग कुछ संगठनों में होते हैं। हो सके तो ऐसा एक और संगठन बनाना चाहिए जिसमें आपके परिवार की महिलाएं हो, जो बिजनेस में नहीं है लेकिन अपने घर काम करती है, घर संभालती है। आप, मैंने एक प्रयोग किया था जब मैं गुजरात में था, मुख्यमंत्री था, हमने झुग्गी झोपड़ी में इस जगह पे फ्लैट बनाए, बहुत बड़ी मात्रा में काम किया था, लेकिन मैं अनुभव कर रहा था साइकोलॉजिकल। आपने एक बहुत पहले एक मूवी देखा होगा, मैंने देखा था, मुझे नाम याद नहीं रहा लेकिन आपको याद आ जाएगा, कमल हसन उसमें कलाकार थे और वो कहीं झोपड़ी में रहते थे, बगल में रेलवे जाती थी, है पुष्पक, हाँ भाई, तो उनको वो गाड़ी की आवाज़ से नींद आती थी। अब उनका घर बदल गया तो उनको अब गाड़ी की आवाज़ बंद होगी तो नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने टैप किया गाड़ी की आवाज़, और रात को टैप चला करके भी सोते थे तो गाड़ी की आवाज़ से नींद आती थी। कहने का मतलब है कि जो गरीबी में जिंदगी गुजारता है वो जब नए मकान में जाता है तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करना पाता है। अगर उसको उचित समय पर गाइडेंस मिल जाए, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, तो उसका जीवन बदल जाएगा। दीवारें बदलने से जीवन नहीं बदलता है। उसके लिए मैंने एक एनजीओ से बात की, और किया क्या, ये जो गरीब परिवार के लोगों को जो पक्के घर मिले, तो मैंने उनकी परिवारों की ट्रेनिंग शुरू करवाई, टॉयलेट का उपयोग कैसे करना, उनको मालूम नहीं था, वो सोचते थे ये क्या है क्या, पहले तो वहीं से पूछते थे कि देखा नहीं था जी। और मैं बताऊं, हमारा देश में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें सुनते भी आश्चर्य होता है, क्योंकि हमने उस जिंदगी को जिया नहीं है जी, हमें पता नहीं है। तो उनको सिखाया गया टॉयलेट होता है ऐसे ऐसे उपयोग करते हैं, नल को ऐसे करना, बंद करना, ठीक ना करना, खिड़की है एक तो शीशे वाली खिड़की है तो क्या करोगे, पुरानी साड़ी है चलो पर्दा बना देते हैं, आपको घर में कोई आएगा तो पैर पहुँच करके आना चाहिए, अच्छा चलो पुराना घर में कोई थैली वेली है तो उसमें से अपना बना देते हैं। ऐसी चीज़ों का एक एनजीओ के द्वारा मैंने ट्रेनिंग शुरू किया, 3 हफ्ते वो लगाते थे, उनका कॉन्फिडेंस इतना बदल गया कि फिर वो पैसे बचाने लगे, फिर एक आध प्लास्टिक की चेयर ले आए, फिर एक दरी ले आए, पर्दा ठीक करने, उनको जीवन जीने का आनंद आने लगा, फिर उनका मन कर गया रेडियो लाएंगे, टीवी लाएंगे। अगर आप मकान बनाने की योजना के साथ आपने ही परिवारों जनों का कोई एनजीओ बना करके, ये बाद में जीना कैसे, जीना कहाँ हो गया, अब जीना कैसे, ये अगर एक आप वन स्टेप आगे चले जाए, उन परिवारों की ट्रेनिंग करें, जीना सिखाएं उनको, आप देखिए आपको उस मकान बनाने से ज्यादा उसकी बदली हुई जिंदगी आपके जीवन को सबसे ज्यादा संतोष देगी, सबसे ज्यादा खुशी देगी। ऐसी कुछ इनोवेटिव चीज आप करेंगे, और आप युवा जन हैं, चीज़ों को रिसीव करने की आपकी ताकत ज़्यादा होती है, और मेरा दिमाग बड़ा युवा है, मैं बहुत तेज़ी से दौड़ने वाला करने वाला इंसान हूँ, और इसलिए मेरा आपका मैचिंग बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे कोई दूरी महसूस नहीं होती है, न मुझे पद की दूरी होती है, न उम्र की दूरी होती है, न मेरे बैकग्राउंड की दूरी होती है, दिल में एक ही आग होती है, आपसे मिलूं
आपसे बात करूं, आपके लिए सोचूं, आपके साथ काम करूं, मिलकर के देश के लिए काम करूं, इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जिस कलाकार ने मुझसे भी ज्यादा मुझे सुंदर बनाकर के चित्र बनाया, उस कलाकार को बहुत बहुत बधाई। मैंने जैसे जैसे कहा है कि उसका मुझे एड्रेस देना, मैं जरूर साथी को चिट्ठी लिखूंगा जिसने इस प्रकार से अपना काम किया है। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैंने जो बातें बताई हैं, देश के संदर्भ में बताई हैं, आपको अच्छी लगे ले जाना, बुरी लगे मेरे लिए छोड़ जाना, मैं ठीक से उसको ठीक ठाक करूंगा, फिर परोसने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।